जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे YouTube चैनल गवर्नमेंट जॉब सेंटर के फिर से एक नए एक्साइटेड वीडियो में। दोस्तों तो इस वीडियो में बताऊंगा दोस्तों आसाम राइफल भर्ती 2021 के बारे में और इसकी भर्ती में हाइट कितनी होगी, योग्यता क्या होगी दोस्तों, ये भर्ती मेल या फीमेल के लिए होगी या नहीं, सब कुछ बताऊंगा। उससे पहले जरूर आपके लिए दोस्तों, अगर आप मेरे चैनल पर न्यू विजिट कर रहे हैं दोस्तों, अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया मेरे चैनल को तो सब्सक्राइब कर लेना दोस्तों, और सामने बेल आइकन आएगा तो बेल आइकन प्रेस करके दोस्तों और कुछ लड़के ऐसे क्या होगी, जितने भी सारी मैं प्राइवेट या गवर्नमेंट जॉब की भर्ती लाता हूं दोस्तों आपके लिए दोस्तों, तो सबसे पहले यूट्यूब पर आप नोटिफिकेशन पा सकेंगे। तो चलो वीडियो स्टार्ट करते हैं दोस्तों। ये भर्ती है दोस्तों आसाम राइफल ग्रुप NB की भर्ती है, और ये भर्ती है दोस्तों ऑल इंडिया लेवल की भर्ती, यानी कि ऑल इंडिया कैंडिडेट्स में अप्लाई कर देते हैं, मेल एंड फीमेल कैंडिडेट्स में दोस्तों अप्लाई कर सकते हैं। स्टार्टिंग डेट ऑनलाइन की बात करें तो दोस्तों ये 11 सितंबर से ऑनलाइन स्टार्ट हो गया दोस्तों, लास्ट डेट इसकी होगी दोस्तों लगभग 25 अक्टूबर की, अक्टूबर की ये लास्ट डेट होगी दोस्तों। एप्लीकेशन फ़ी की बात करें तो दोस्तों ग्रुप बी के लिए इसमें एप्लीकेशन फ़ी, यानी कि अगर आप ग्रुप बी में अप्लाई करना चाहते हैं तो इसके लिए एप्लीकेशन फ़ी की 200 रुपये दोस्तों, ग्रुप सी के लिए दोस्तों आपके 100 रुपये फी फॉर्म फीस दिया जाएगा। टोटल वैकेंसीज की बात करें तो 1230 पोस्ट की भर्ती है दोस्तों टोटल पोस्ट। अगर पोस्ट की बात की, पोस्ट नेम की बात करें दोस्तों हवलदार राइफलमैन वारंट ऑफिसर वारंट ऑफिस, इसके बाद नव सूबेदार की भर्ती है, राइफलमैन वुमेन की इसमें भर्ती है दोस्तों। ट्रेड्स की बात करें तो क्लार्क के लिए दोस्तों है भर्ती, मेल एंड फीमेल के लिए लाइनमैन, फिर मेल एंड वेटरनरी फील्ड असिस्टेंट, मेल एंड फीमेल के लिए दोस्तों का मशीन इलेक्ट्रिकल मशीन व्हीकल इंजीनियर रिक्रूटमेंट मशीन मेल इंस्ट्रूमेंट रिपेयर मेल, इसके बाद सुपरवाइजर मेल ऑफ होल्डर मेल, इसके बाद इलेक्ट्रिशियन मेल, ऐसे कर दोस्तों इसमें सारी भर्ती है। इसमें दोस्तों आप सिंपल दोस्तों अगर सफाई वाला में भी पकड़ना चाहते हैं सफाई वाला का पोस्ट है, मेल फीमेल मेटेनेंट के लिए कुक के भी भर्ती है दोस्तों, फार्मासिस्ट की भी भर्ती है, उसके बाद प्रशासन असिस्टेंट मेल एंड फीमेल की भर्ती है, बारबर मेल एंड ब्रिज एंड रोड इसमें मेल एंड फीमेल की भर्ती है दोस्तों, इलेक्ट्रिकल फिटर की भी इसमें भर्ती है। अगर इसमें दोस्तों क्वालिफिकेशन की यानी कि योग्यता की बात करें तो मोची, इसके बाद बारबर कुक एंड फीमेल सफाई वाला के लिए इसमें जो एज सॉरी दोस्तों इसमें क्वालिफिकेशन होगी दोस्तों 10वीं पास होगी, ग्रोवेड रिक्रूटमेंट बोर्ड से ये होना चाहिए दोस्तों। अगर बात करें एज लिमिट की बात करें तो दोस्तों इसमें आपकी जो एज होनी चाहिए 18 ईयर से लेकर 23 ईयर एज होनी चाहिए दोस्तों फॉर मेल के सफाई के, सॉरी दोस्तों उसके बाद अगर बात करें तो दोस्तों फीमेल सफाई वाला का जो वाले के लिए जो एज होनी चाहिए दोस्तों 18 ईयर से लेकर दोस्तों 25 ईयर एज होनी चाहिए। वेटरनरी फील्ड असिस्टेंट के लिए जो भर्ती जो हाइट सॉरी दोस्तों एज होनी चाहिए दोस्तों 21 से लेकर 23 ईयर एज होनी चाहिए, इसके बाद एक्स असिस्टेंट फार्मासिस्ट के लिए एज होनी चाहिए 20 से लेकर 25 एज होना चाहिए दोस्तों। अगर इसमें क्वालिफिकेशन की 10वीं और 5 में अप्लाई कर सकते हैं। एज की बात करें तो ऑल कैंडिडेट के लिए 18 ईयर से लेकर 20 ईयर ये रखिएगा, 10th स्टैंडर्ड बोर्ड से होनी चाहिए, इसमें सिर्फ आप मैथ इसके बाद दोस्तों इंग्लिश इस सब्जेक्ट में आपकी जो मार्क अच्छे आना चाहिए तो भी इसमें आप अच्छे से अप्लाई कर सकते हैं। एज लिमिट की बात करते हैं 18 ईयर से लेकर 23 ईयर एज तक उम्र के बच्चे इसमें अप्लाई कर सकते हैं दोस्तों। उसके बाद बात की तो पर्सनल असिस्टेंट क्लर्क के लिए इसमें भी भर्ती है, इसमें भी दोस्तों 10th प्लस 2 पास करना अनिवार्य है, इसका जो एज होनी चाहिए दोस्तों आपकी 18 ईयर से लेकर दोस्तों इसमें 25 ईयर एज होना चाहिए। इसके बाद दोस्तों PST फिजिकल टेस्ट की बात की जाए दोस्तों, इलेक्शन प्रोसेस की बात करें तो पहले दोस्तों रैली साइड में आपका फिजिकल टेस्ट किया जाएगा, और ऑल इंडिया लद्दाख रीजन में इसमें भी टेस्ट किया जाएगा। अगर बात करें तो इसमें रनिंग की बात करें दोस्तों 5K की रनिंग होगी, 24 में क्वालिफाई करना होगा दोस्तों, फ्यूल क्रेडिट 1.6 किलोमीटर रनिंग होगी, 8.30 सेकेंड में इसमें आप क्वालिफाई करना होगा दोस्तों। फिजिकल मेजरमेंट की बात करें तो ये रैली साइड में फिजिकल मेजरमेंट होगा दोस्तों, उसके बाद दोस्तों आपका रिटर्न एग्जाम हो जाएगा। इसके बाद दोस्तों रिटर्न एग्जाम अगर आप क्वालिफाई कर लेते हैं दोस्तों ट्रेड टेस्ट, उसके बाद ट्रेड टेस्ट होने के बाद दोस्तों ट्रेड मेडिकल टेस्ट होगा दोस्तों, मेडिकल टेस्ट होने के बाद दोस्तों आप सिंपली मेरिट लिस्ट निकलेगा, मेरिट लिस्ट आप आराम से डाउनलोड कर सकें। तो यही थी जानकारी दोस्तों, अगर वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को आप देख रहे हैं तो वीडियो को एक लाइक कीजिए, चैनल पर न्यू है सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लेना दोस्तों, और बेल आइकन प्रेस कर लेते, फिर मिलते हैं नए वीडियो के साथ दोस्तों, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत वंदे मातरम।